कल एक वीडियोस मैंने बनाई थी बीएस बॉटनी के हवाले से कि पौधों के मुतल्लिक उसकी शक्ल, उसकी जिसामियात, साख, माहौल, आप पौधों का अहमियत का तमाम तर मुताला करता है बीएस बॉटनी। उसके बाद एग्रीकल्चर की भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी कि बीएस एग्रीकल्चर बीएस बॉटनी में क्या फ़र्क है, कमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है एग्रीकल्चर का काम होता है जब पौधा तैयार हो जाए, या कोई एग्रीकल्चर का काम ये होता है जब पौधा तैयार हो जाए, या कोई फसल तैयार हो जाए, या कोई खेत या खलियान तैयार हो जाए, या अवजैश कर रहे हो, तो उससे पहले वो सेलेक्ट करता है एक बीज को कि ये बीज डालें, इससे ये पौधा निकलेगा। उसके बाद जब पौधा निकल आता है, अवजैश कर लेता है, उसको बीमारियां लगती हैं, उसके लिए वो स्प्रे या कुछ मेडिसिन एडवाइस करता है। उसके बाद उसकी बेहतरी के लिए खादों का इस्तेमाल करवाता है एग्रीकल्चर। उसके बाद उसकी प्रॉपर जो जो फसल तैयार होती है उसको तैयार करवा के साइड पर रख देता है। अब जो बॉटनी का काम होता है, बॉटनी का काम ये होता है जो वो स्प्रे डालता है, जो वो खाद देता है, जो वो दाना तजवीज़ करता है, उसकी रिसर्च, उसका बारे मुकम्मल मुशाहदा करता है, वो तमाम तर काम बीएस बॉटनी काम देखता है। अगर इसकी मैं तरीफ यूँ बयान करूँ, नबातियात, जिसामियात, जिस्मानियात, जनियात, साख्त, मौलियात, दर्जा बंदी, तकसीम और पौधों के इक्तसादी अहमियत का मुतालिया है बीएस बॉटनी। और एग्रीकल्चर का जो काम होता है, ज़रात काश्तकारी की एक साइंस है जिसमें फसलों के उगाने के लिए मिट्टी की काश्त, खुराक, उनके देगर मसनूआत फराम करने के लिए जानवर परवरिश शामिल है। बाकी इसका दोनों ये 4 साल प्रोग्राम है, वो भी FSC के बाद होता है, वो भी FSC के बाद होता है। बाकी आपको मालूम है हम इंसान हैं, हमारे जो रिसर्च होती है वो साइंटिस्ट करता है, जो इलाज होता है वो डॉक्टर करता है। अब डॉक्टर किसकी मदद करता है, लेता है, वो लेता है रिसर्चर की कि फलां साइंसदान ने या फलां बंदे ने ये मेडिसिन एडवाइस की, या उसने ये याद किया कि ये अलामात हैं तो उसका इलाज ये होगा। यानी कि एग्रीकल्चर और डॉक्टर ये एक है, साइंसदानों में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जो तहकीक करते हैं। इसी तरह जो बॉटनी है वो मुकम्मल तहकीक और रिसर्च करके एक चीज़ तैयार करता है जो आगे एग्रीकल्चर उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। यानी कि कोई भी दाना या कोई भी चीज़ तैयार होती है तो वो तैयार करने का जो प्रोसेस होता है उसमें तमाम चीज़ों का जो ख्याल रखा जाता है वो काम सर अंजाम देता है बीएस बॉटनी का, उसका इस्तेमाल। यानी कि एक चीज़ बनाने को बीएस बॉटनी कहते हैं और इस्तेमाल को एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और फ़र्क वाजिया हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इस तरह के कोई भी सवाल आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ये बंदा ना चीज़ आपको गाइड करेगा। फिलहाल इतना ही, बने के बाद।